सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू बिना एलिजिबल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मशीन की जो नेम प्लेट होती है वहाँ पे जो आरपीएम लगा रहता है उससे हम नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इंडक्शन मशीन में लगे हुए वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको लगभग तीन टाइप्स के इंडक्शन मशीन आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ की जो नेम प्लेट है वो भी दिखाऊंगा। तो नेम प्लेट में क्या क्या लगा रहता है, हमारा कितने एचपी की मोटर है, कितने वैट का है, साथ ही में आरपीएम कितना है। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसका मतलब क्या होता है, आरपीएम मतलब होता है स्पीड, ठीक है। जिसकी स्पीड होगी 3000 आरपीएम की होगी, 1500 आरपीएम की होगी और 1000 आरपीएम की होगी, स्टैंडर्ड रेटिंग रहती है। तो हमारा जो 3000 आरपीएम है, 1500 आरपीएम है, 1000 आरपीएम है, यहाँ से हम नंबर ऑफ पोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, एक फार्मूला रहता है सिंक्रोनस स्पीड के, या फिर जो आरपीएम है उसको कैलकुलेट करने का, NS इक्वल्स टू 120 F अपॉन P। पी मतलब होता है नंबर ऑफ पोल्स। तो मैं आपको डायरेक्टली एक बात बता देता हूँ, अगर हमारी इंडक्शन मशीन में दो पोल लगे रहेंगे, दो पोल की अगर हमारी इंडक्शन मशीन है तो उसकी जो आरपीएम स्पीड होती है वो 2800 आरपीएम होती है। और अगर हमारी जो इंडक्शन मशीन है उसमें चार नंबर ऑफ पोल्स लगे है, मतलब हमारी जो इंडक्शन मशीन है उसमें चार नंबर ऑफ पोल्स कनेक्टेड है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 1400 आरपीएम होगी। साथ ही में अगर नंबर ऑफ पोल्स छः बढ़ गए तो उसकी जो स्पीड होगी आरपीएम होगा वो होगा 900 आरपीएम, 900 या 1000 के आरपीएम के आसपास रहता है। जो इंडक्शन मशीन से वहाँ से हम नेम प्लेट में क्या क्या दिखते हैं, एचपी, किलोवाट और आरपीएम, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। तो इससे कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ पोल्स कितना कनेक्टेड है इंडक्शन मशीन में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात, हमारी जो स्पीड होती है और नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे जो नंबर ऑफ पोल्स वो कम रहेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती है, जैसे जैसे हम पोल कम करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है। देखिए, दो पोल है तो 2800 आरपीएम, चार पोल होगा तो 1500 आरपीएम या फिर 1400 आरपीएम, और छह पोल होगा तो कितना होगा वो 900 आरपीएम। हमारे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और हमारे नंबर ऑफ पोल्स कम होगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो चलिए मैं आपको तीन टाइप्स के जो इंडक्शन मशीन है और उसके जो आरपीएम है वहां से मैं बताता हूँ कितने नंबर ऑफ पोल्स की ये मशीन है या फिर इंडक्शन मशीन है। तो चलिए देखते हैं इंडक्शन मशीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो इंडक्शन मशीन यहाँ पे रखी गई है। तो इस पे जो नेम प्लेट है वो हम देखेंगे, ये जो इंडक्शन मशीन है वो ABB कंपनी के है। चलिए नेम प्लेट की ओर बढ़ते हैं। तो नेम प्लेट में आपको जनरली दिखाया जाएगा किलोवाट और कितने हॉर्स पावर की है, साथ ही में यहाँ पे आरपीएम भी आपको दिखाई देता है। देखिए, किलोवाट जो कि 7.5 किलोवाट की है और एचपी कितना है, 10 एचपी का है, और आरपीएम आप देख सकते हो 1440, मतलब 1440 है। तो यहाँ पे आप क्लियरली बता सकते हो कि ये कितनी पोल्स की मोटर है। तो ये कितनी पोल्स की मोटर होगी, ये होगी 4 पोल की मोटर। तो यहाँ पे आप पावर फैक्टर भी देख सकते हो 0.8। तो आप डायरेक्टली आरपीएम से कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। 1440 यहाँ पे आरपीएम लिखा गया है, तो आप ये रही हमारी 4 पोल की मोटर। उसी तरीके से हम दूसरी मोटर की तरफ बढ़ेंगे कि वो कितने आरपीएम की है, ठीक है। तो ये रहा दूसरे मोटर का एक नेम प्लेट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारा ये 1.5 किलो वैट की एक मोटर है और इसका जो वैटेज है एचपी है वो 2 एचपी की है और 1.5 किलो वैट की है। और यहाँ पे आप आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट देख सकते हो जो कि कितना है, 2800 आरपीएम, 2800 आरपीएम है। तो इस ये कितने नंबर ऑफ पोल्स की होगी, ये 2 नंबर ऑफ पोल्स की हो गई, ठीक है। तो उसी तरीके से हम तो ये रही हमारी तीसरी इंडक्शन मशीन जो कि एक इंडक्शन मोटर है। इसकी भी नेम प्लेट देखते हैं, इसके भी कितने आरपीएम है, कितना एचपी है और कितना किलोवाट की ये मोटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पावर फैक्टर है 0.7 पावर फैक्टर है और आरपीएम आप देख सकते हो 935 आरपीएम की है। 935 आरपीएम की है, मतलब ये कितनी पोल्स की होगी, कितने नंबर ऑफ पोल्स की होगी, ये होगी हमारी 6 नंबर ऑफ पोल्स। इसमें कितने पोल्स होंगे, नंबर ऑफ पोल्स 6 होंगे।
और उसी तरीके से ये थ्री फेज की इंडक्शन मोटर है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्स है और इफिशियंसी 80%। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो आरपीएम है वो 935 आरपीएम है। तो आप सिंपली बिना देखे, मतलब आरपीएम से देख के नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये बताया गया कंसेप्ट, मतलब नंबर ऑफ पोल्स और आरपीएम का ही कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो आप जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू।